यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरफ में जो ये दिया बिना चाबी वाला है ये, तो अगर इसका हम प्रेस कर देते हैं तो दोस्तों बाहर से खुल नहीं सकेंगे, तो ये अंदर से खुलेगा। ये देखिए, अगर किसी ने अंदर से ये अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आए हैं नए साइट पे काम करने के लिए। तो दोस्तों आज हम जो दरवाज़ा जो है वो फिटिंग करने वाले हैं, तो चलिए हम आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाज़ा हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब इसको जो है फिटिंग करने वाला हूँ। तो इस जगह पे ये बाथरूम वाला दरवाज़ा लगाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दरवाज़ा को जो फिटिंग करके हमें रेडी कर लिया। यहाँ पे हमें हैंगर्स का दाग जो है वो भी लगा लिया है, देख सकते हैं। तो अब चलिए इस पर हैंगर्स लगाने के लिए कटिंग करके हैंगर्स लगाते हैं। तो हमने चौकट पर भी जो दाग लगा लिया, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है दोस्तों काफ़ी, ये क्योंकि ये पतला सा चौकट है। तो चलिए कटिंग करके लगा लेते पहले। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो दरवाज़े पर हमने देखिए हैंगर्स जो है तीनों हैंगर्स लगा कर रेडी कर लिया है, और अभी इसके लॉक लगाने के लिए हमने तैयारी किया है। तो अब चलिए इसको लॉक लगाने का जो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हैं हमने हैंगर्स तो पहले से लगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर लॉक लगाने के लिए जो ये देखिए होल करके हमने रेडी करके रख लिया। दोस्तों देख सकते हैं इस तरफ भी हमने जो है होल करके रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसका लॉक जो है लगाते हैं। तो लॉक हमने यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं हमने ये वाला लॉक लगाने वाला है देखिए। तो अब चलिए फिटिंग करने का हम शुरू करते हैं। बस लग गया। ओह वाव, ये कौन सा वाला स्क्रू ड्राइवर है? टपरिया लॉक कौन सा वाला है? गोदरेज। और ये क्या है? ये इसका पुर्जा है। वाओ, इधर से नहीं घूर रहा, इधर से घूर रहा है। ये लॉक ऑटोमेटिक लॉक, अब इधर से लगाए तो इधर कोई खुल नहीं पाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले को दबा देने के बाद जो लॉक लग जाता है, तो इस साइड से तो खुलना बंद करना हो जाता है और
इस साइड से देखते आप बिल्कुल भी नहीं खोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक ये वाला प्रेस करने के बाद में लॉक लग जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने ये डोर का लॉक जो है फाइनली फिटिंग कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों इस तरह में जो ये दिया बिना चाबी वाला है ये, तो अगर इसका हम प्रेस कर देते हैं तो दोस्तों ये बाहर से खुल नहीं सकेंगे, तो ये अंदर से खुलेगा। ये देखिए, अगर किसी ने अंदर से ये अगर लगा दिया तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो चलिए अब तो पल्ले को जो है चौकट पर फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए दरवाजा को लगाते हैं। शुरू कर लो। तो दोस्तों दरवाजा का हमने एक एक स्क्रू लगा लिया है, तो हम इसको बंद करके देखते हैं, चेक करके कि सही तरह से बल्ब बनता है कि नहीं। तो चलिए बंद करके देखते हैं। तो दोस्तों बल्ब हो गया हमारा दरवाजा जो पहले सही तरह से, तो अब चलिए बाकी जो स्क्रू जितने भी है ना वो सारे स्क्रू लगा कर करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा दरवाज़ा फाइनली फिट हो चुका है, इसके लॉक भी जो लग चुका है देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने जो है होल कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से। तो हो गया हमारा पूरा लगा के कंप्लीट दरवाज़ा, देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है फिट हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का ये दरवाज़ा का जो लॉक लगाने का तरीका था वो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लॉक लगाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।